नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में डेंगू व अन्य संचारी रोगों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए रोकथाम के लिए प्रयासों को और तेज करने के दिए निर्देश। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में आईएमए, आईएमसी, एनएचए, नर्सिंग होम चिकित्सक तथा विभागीय अधिकारियों के साथ डेंगू को नियंत्रित करने के लिए वर्चुअल माध्यम से की परिचर्चा। नेपाल में कल शाम आए भूकंप के कारण दिल्ली और उत्तर भारत के कई भागों में झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। प्रदेश में भी लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद में महसूस किए गए भूकंप के झटके। और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रामपुर में अल्पसंख्यक पसमांदा सम्मेलन में लिया हिस्सा। कहा, बिना भेदभाव के लोगों तक पहुंच रहा है सरकार की योजनाओं का लाभ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में डेंगू व अन्य संचारी रोगों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए रोकथाम के लिए प्रयासों को और तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए हर जिले में डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनेंगे। उन्होंने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए बेहतर सर्विलांस जरूरी है और घर घर स्क्रीनिंग कराई जाए। अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेड मिले, उसकी विधिवत चिकित्सीय जांच हो। मुख्यमंत्री ने धान खरीद की भी समीक्षा की और कहा कि हर जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता हो। मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि के कारण हुई फसल के नुकसान की तत्काल क्षतिपूर्ति किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रयागराज माघ मेले के सुचारू आयोजन के लिए विशेष सचिव माघ मेला और एसपी माघ मेले की तत्काल तैनाती का भी आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेलों, पर्वों व त्योहारों पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कल लखनऊ में आईएमए, आईएमसी, एनएचए, नर्सिंग होम चिकित्सक तथा विभागीय अधिकारियों के साथ डेंगू को नियंत्रित करने के लिए वर्चुअल माध्यम से परिचर्चा की। इस अवसर पर डेंगू से उत्पन्न हुए हालातों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर चिकित्सकों ने अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से चिकित्सक और विभागीय अधिकारी समन्वय करके डेंगू पर काबू पा सकते हैं, इस पर बातचीत हुई। डेंगू के नियंत्रण के लिए हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के डॉक्टरों को, आईएपी इंडियन एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिशियंस के डॉक्टरों को और आईएचए के डॉक्टरों को, एनएचए के डॉक्टरों को सबको इकट्ठा किया था। लगभग 233 डॉक्टर हमारे साथ वर्चुअल मीटिंग में जुड़े थे और लगभग उतने ही हमारे नगर विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, सफाई से संबंधित या जिनकी जिम्मेदारी है वो लोग जुड़े थे। ऐसे लगभग 450 लोगों के साथ हमने डेंगू के नियंत्रण के लिए अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर वर्चुअल मीटिंग किया है और उसमें डॉक्टरों के सहयोग से हम गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पे, ग्रामीण जो शहरी नगरीय क्षेत्र हैं उनमें कैसे हम नियंत्रण करें, इसकी हमारी काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। कुछ ऐसे नगर जहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, उन नगरों की भी विशेष रूप से चर्चा हुई। वहाँ के डॉक्टरों ने भी उन नगरों के बारे में चर्चा किया। तो इस प्रकार हमने एक संयुक्त रणनीति बना करके कि डॉक्टर और प्रशासक दोनों एक साथ किस प्रकार काम करें तो कि डेंगू पर नियंत्रण हम पा। नेपाल में कल शाम आए भूकंप के कारण दिल्ली और उत्तर भारत के कई भागों में झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप से घबराए लोग अपने अपने घरों और ऑफिसों से बाहर निकल आए। इससे पहले शाम 4:25 पर उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जानकारी के अनुसार ऋषिकेश भूकंप का केंद्र रहा। रिएक्टर पैमाने पर 3.4 तीव्रता दर्ज की गई थी। बीते मंगलवार को भी दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में देर रात भूकंप के तेज झटके लगे थे। उस वक्त भी भूकंप का केंद्र रहने पाल ही था। प्रदेश में भी लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद में करीब 7:57 पर हल्के झटके महसूस किए गए।
आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद के लिए धन नहीं विषय पर तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन 18 और 19 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। सम्मेलन की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे को महत्व देने के साथ साथ इस खतरे के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन में भाग लेंगे और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत के दृढ़ संकल्प से अवगत कराएंगे। सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद के वित्त पोषण पर मुकाबला करने पर चर्चा को आगे बढ़ाना है। आतंकवाद के लिए धन नहीं विषय पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में 75 देशों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रतिनिधियों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। पेमेंट फेल, पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक कल रामपुर में अल्पसंख्यक पसमांदा सम्मेलन में शामिल हुए। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली की अगुवाई में अल्पसंख्यक पसमांदा सम्मेलन का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश द्वारा संचालित योजनाओं में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है, सबको बराबरी का हक दिया गया है। उन्होंने कहा कि पसमांदा मुस्लिमों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी और उनकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी एवं सरदार बलदेव सिंह औलख उपस्थित रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत हम लोग काम करेंगे और जो भी हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की लाभार्थी योजनाएं हैं, सब में अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा में शामिल किया गया है। उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। गरीब आदमी कैसे अपने जीवन को गुजार रहा है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समझा और उनके जीवन स्तर को ऊंचे उठाने के लिए काम किया। उनको पक्का मकान, निशुल्क शौचालय, निशुल्क पेयजल, 5 लाख तक का निशुल्क इलाज, निशुल्क सौभाग्य योजना के तहत कनेक्शन, निशुल्क ढेर सारी योजनाएं चलाई हैं। इसके अलावा किसान सम्मान निधि भी अल्पसंख्यक समाज के सभी साथियों को जो उसके लिए अनुमान मिल रही है। मैं अल्पसंख्यक समाज को भरोसा दिलाता हूँ उनके हक और हुकूक के लिए, पसमांदा समाज के लोगों को भरोसा दिलाता हूँ उनके हक और हुकूक के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम। प्रयागराज में अखिल भारतीय संस्कृति महोत्सव में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुई। इस मौके पर मां भारती और मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में देश भर से आए हुए बच्चों का संगम हुआ। इस मौके पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि बच्चों में संस्कृति एवं संस्कार को विकसित करने में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का प्रयास सराहनीय रहा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में भी बच्चों को योग एवं संस्कृति और संस्कार की शिक्षा दी जानी चाहिए। देश के बहुमुखी विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के भविष्य के लिए आज से ही जल व पर्यावरण को बचाने का प्रयास करना होगा। इस मौके पर अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष यतीन्द्र, प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी भी मौजूद रहीं। विद्या भारती ने संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है। शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है कि संस्कृति युक्त नागरिक का जीवन निर्माण होना चाहिए ताकि उसमें मनुष्यत्व के गुण विकसित हों। इसीलिए हम विद्यालय से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक इसका प्रयत्न करते हैं, बच्चों में सांस्कृतिक गुणों का विकास हो। ये बच्चे विद्यालय से जीतते हुए अपने अपने स्थान से प्रांत क्षेत्र केंद्र तक आए हैं। उसका ये संस्कृति महोत्सव के नाम से कुछ वर्षों से ही हमने ये आयोजन प्रारंभ किया है। कुछ और इसमें बातें जोड़ेंगे आगे चलकर। जो कार्यक्रम हमेशा कुरुक्षेत्र में होता था वो पहली बार प्रयागराज में हुआ और उससे बड़ा सौभाग्य कि हम सब की गार्जियन के रूप में और जो संस्कृति को और मातृशक्तियों को और बेटियों को और खासकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग दे रही हैं वो मुख्य अतिथि बनकर हमारी राज्यपाल महोदया यहाँ पर आई
और उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन भी दिया और बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत सारे जिले के बच्चे आए हैं और उन बच्चे जिस तरह से उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो यहाँ पर अपने प्रतिभाओं को दिखाएंगे। किसी को लिखने का प्रतिभा है, किसी को बहुत आर्ट उनकी अच्छी है, कोई खेलकूद में प्रतिभावान है, तो सभी अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे और एक अच्छा माध्यम है कि बच्चों की प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक स्वराज का आज का अंक रानी वेलु नचियार पर आधारित है। रानी वेलु नचियार ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वेलु नचियार रामनाथपुरम राज की राजकुमारी और राजा चल्लामुत्तु की विजय रघुनाथन सेतुपति और रानी सखीधुम मुथुल सेतुपति की एकमात्र संतान थी। रानी वेलु नचियार युद्ध हथियारों के उपयोग के साथ साथ वलारी, सिलबम्ब, घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर थी। इनकी बहादुरी और त्याग के बारे में अधिक जानने के लिए देखिए स्वराज की ये नई कड़ी आज सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9 बजे डीडी नेशनल पर किया जाएगा। प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में खाने की गुणवत्ता की शिकायतों को लेकर समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि एक समिति बनाकर नई प्रक्रिया के तहत सेवा प्रदाता फर्मों का चयन किया जाए। मंत्री असीम अरुण ने यह जानकारी कन्नौज जिले में पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके इसके लिए दरों में भी बदलाव किया गया है। पहले प्रति बच्चा 75 रुपये निर्धारित था, उसको बढ़ाकर 114 रुपए कर दिया गया है। इससे पहले समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कुछ स्कूल हैं जहां से खाने की शिकायत आई थी और इसको पूरी तरीके से हम लोगों ने बदल दिया। जो ठेकेदार उस काम को कर रहे थे उसको हम लोगों ने प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टीम बनाई है और वो क्रय कर रही है, चयनित कर रही है ठेकेदार को, और साथ साथ बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना मिले इसके लिए इसकी दर को बढ़ाया गया है। 75 रुपए से बढ़ा के 114 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है, तो इससे खाने की जो धनराशि है वो भी बढ़ गई है और क्वालिटी सुधारने के लिए सारे प्रबंध किए गए हैं। जो हमारे वृद्धाश्रम है वो अच्छी तरह संचालित हैं, जहाँ तक मुझे पता है खाने की शिकायत अभी कहीं नहीं है। शाहजहांपुर में मंत्री लोक निर्माण विभाग जितिन प्रसाद ने शनिवार शाम को विकास भवन सभागार में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ विभागीय बैठक की। उन्होंने सभी कार्य त्वरित गति से समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा एवं लापरवाही करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पिछले महीने भारी वर्षा के कारण प्रदेश की सड़कें काफी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सड़कें जल्द से जल्द ठीक कराई जाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्यों को कराया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात है कि पिछले महीने भारी वर्षा के कारण प्रदेश की सड़कें काफी क्षतिग्रस्त हैं और ये सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है कि सभी क्षतिग्रस्त सड़कें युद्ध स्तर पे उनकी मरम्मत, आवागमन और मोटरबल बनाई जाएं और उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए आज यहाँ शाहजहांपुर जनपद की बिंदवार सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सांसदों और विधायक के साथ चर्चा की गई है, विभाग के अधिकारियों के साथ, कि कौन सी सड़कों में कितनी प्रगति हुई है मरम्मत की और आने वाले समय में कहाँ पे और विशेष ध्यान देके सड़कों को सही कराना है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम होगा और किसी तरीके की कोई भी ढिलाई या कमी बर्दाश्त। गोंडा में कर्नलगंज क्षेत्र में 14 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित क्षेत्र के हाईटेक पंचायत भवन का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता विभाग तथा भाजपा के प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर ने उद्घाटन किया। कर्नलगंज पहुंचने पर राठौर का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि ये पंचायत भवन सचिवालय नहीं, विकास का मंदिर है। मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य किया जा रहा है जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके और विकास को हर क्षेत्र में पहुंचाया जा सके।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना अंतर्गत निर्मित पंचायत भवन को सहकारिता मंत्री ने विकास का मंदिर कहकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विकास कार्यों का प्रतीक बताया, जिसको लेकर उन्होंने गांव के प्रधान सचिव, खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत तथा सभी संबंधित अधिकारियों को बधाई दी। ऐसा है कि आज लाले मऊ में मैंने एक विकास के मंदिर को देखा। एक ग्राम सचिवालय नहीं है, विकास का मंदिर है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से कहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रहेगा, कानून व्यवस्था पर अगर कोई प्रहार करने का काम करेगा, अपराधियों के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस रहेगा, उसके एक प्रतिरूप के रूप में जो सुंदर सा भवन ग्राम सचिवालय के रूप में यहाँ पर स्थापित हुआ है, मैं यहाँ पर जिन लोगों ने इस भवन, सुंदर भवन को बनाया है, ब्लॉक के प्रमुख समेत सभी अपने जो ग्राम प्रधान हैं और बाकी सचिवालय के जो सचिव हैं, इन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को वो आगे बढ़ाने का काम। जनपद बलरामपुर में राज्य मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश संजय सिंह गंगवार ने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मंत्री ने उत्तर प्रदेश डिस्टलरी मजदूर संघ के अधिवेशन को भी संबोधित किया। राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश डिस्टलरी मजदूर संघ के 12वां त्रैवार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में मजदूर भाइयों को संबोधित किया। बैठक में राज्य मंत्री द्वारा बलरामपुर चीनी मिल एवं बजाज चीनी मिल को निर्देशित किया गया कि किसानों के गन्ने का पैसा 100% भुगतान कराया जाए। वर्तमान सत्र में गन्ना पेराई के दौरान किसानों द्वारा बेची जाने वाले गन्ने का किसी प्रकार की घटतौली ना की जाए, इसका समय समय पर निरीक्षण किया जाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों के हित में गन्ने का भुगतान आपके यहाँ जनपद का एक अगर मिल छोड़ दे उसका भी पहले से बहुत अच्छा हुआ है। बाकी हम लोगों ने यहाँ 100% भुगतान कर दिया है। किसानों के लिए मिल शुरू होने वाली है, उनको गन्ना लाने में कोई परेशानी ना हो, गन्ने के यार्ड में जहाँ वो ट्रॉलियाँ खड़े करते हैं वहाँ प्रॉपर शौचालय, उनको रात में ठंड में ठहरने की व्यवस्था, इन चीज़ों पे भी काम किया गया है। गन्ने का रकबा भी इस जनपद में भी बढ़ा है और पूरे उत्तर प्रदेश में भी गन्ने का रकबा बढ़ा है और पूरे देश में उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को ढेर सारी। जनहित फाउंडेशन, मेरठ, इंडिया वाटर पार्टनरशिप, नेशनल वाटर मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कैच द रेन अभियान के अंतर्गत मेरठ के 40 स्कूल में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया था और इसी कड़ी में बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल में 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए गए हैं। इस महोत्सव के अंतर्गत 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें थिएटर प्रतियोगिता और प्रदर्शनी प्रतियोगिता रही। इन प्रतियोगिताओं में जनपद मेरठ के 28 स्कूलों ने थिएटर प्रतियोगिता में भाग लिया और 24 स्कूलों के छात्रों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। दोनों प्रतियोगिताओं का विषय जल संरक्षण व वर्षा जल संचयन रहा। सभी विजेताओं को जनहित फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिता राणा, इंडिया वाटर पार्टनरशिप की सदस्य डॉ वीना खंडूरी द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। यहाँ पर हम लोगों ने इंडिया वाटर पार्टनरशिप और नेशनल वाटर मिशन के साथ मिलकर के मेरठ में एक जल महोत्सव, एक वाटर फेस्टिवल के रूप में हम इसका आयोजन कर रहे हैं। एक जल उत्सव जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है। सभी इसमें मेरठ के 40 स्कूलों के बच्चों को एक साथ जोड़ा गया है, एक ही मंच पर ला करके उनको जल को बचाने के लिए, वर्षा जल संरक्षण या हमारा भूमि का जल जो ऐसे दोहन हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए, बच्चों के माध्यम से एक अपील की जा रही है समाज के लोगों से। तो यहाँ एक बहुत अच्छी एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है और यहाँ पर बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम, स्ट्रीट प्ले के माध्यम से एक यहाँ मेरठ की जनता को ये एक संदेश दिया है कि हम आने वाले पीढ़ी को बचाना है तो हमें जल की एक एक बूंद को, भारत सरकार का जो जल जीवन मिशन है उसमें सबको पानी मुहैया कराया जाए। और वो पानी कैसे मुहैया होगा, जबकि पानी हमारे भूमि में संरक्षित रहेगा,
तो उस पानी को कैसे संरक्षित किया जाए और उसका दोहन ना हो और उसको हम कैसे वर्षा जल के माध्यम से उसको संरक्षित कर सकते हैं, आज उसी को लेकर के हमने बच्चों को यहाँ पर बुलाया है। 40 स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पर हमारे साथ और इन बच्चों ने बहुत ही सुंदर नाट्य रूपांतर करके और नुक्कड़ नाटक के रूप में अपने संदेश दिए हैं। इसके अलावा हमने एक तकनीकी प्रदर्शनी भी लगाई। रायबरेली जिले के ऊंचाहार तहसील के अंतर्गत बरसवा गांव में किसान मेले का आयोजन किया गया। इसमें पराली प्रबंधन के साथ ही जल संरक्षण विषय पर गोष्ठी के माध्यम से किसानों को जागरूक किया गया। गोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों ने जहां पराली प्रबंधन की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला, वहीं चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के विभागाध्यक्ष ने जल संरक्षण व इसकी महत्ता पर किसानों को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि घटता भूगर्भ जल स्तर बहुत ही चिंता का विषय है, ऐसे में किसानों को ऐसी फसलों का चयन करना होगा जिसमें सिंचाई की जरूरत कम हो। इसके साथ ही खेती के तरीकों में भी बदलाव लाना होगा जिससे भूगर्भ के जल का दोहन को कम किया जा सके। आज कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर रायबरेली द्वारा, जो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है, उस पर जल शक्ति अभियान के अंतर्गत एक किसान मेले का आयोजित ये बछरावा तहसील में किया गया है, जिसमें खास तौर से जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, उस संबंध में कैसे जल संरक्षण करेंगे और फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे, इस संबंध में जानकारी दी जा रही है। पराली की जल संरक्षण में बहुत ही बड़ी उपयोगिता है, जैसा अभी डॉक्टर एस बी सिंह साहब बता रहे थे कि हम पराली का मल्चिंग कर सकते हैं, भूमि के ऊपर उसका बिछावन डाल सकते हैं। भूमि तो हम किसान की वो पराली भूमि के बिछावन में चली जाएगी और जब भूमि ढक जाती है तो जल का वाष्पीकरण बहुत ही कम हो जाता है, साथ में पराली डिकम्पोज हो करके खाद का काम करती है, जैविक कार्बन का और जैविक नाइट्रोजन का, और भूमि भी उरोरा हो जाती है। कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर के माध्यम से ये कार्यक्रम किसानों के लिए आयोजित किया गया है और इनका मुख्य उद्देश्य था कि बढ़ती हुई समस्याओं के मद्देनज़र हम जल संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं, जल कम से कम जल के उपयोग में हम किस तरह से अपनी फसलों का, जो परंपरागत फसलें हैं या जो कुछ हमारी अन्य फसलें हैं, उनको हम किस तरह से उनकी देख रेख कर सकते हैं, उनका उत्पादन किस तरह ले सकते हैं। तो कुल मिला के मुख्य उद्देश्य था कि हम जल को बचा के अपनी फसलों का उत्पादन किस तरह से बढ़ा सकते हैं। शारदा और निपुण भारत सामर्थ्य भारत शिक्षा अभियान तहत बेटियों को शिक्षित करने की सरकार की मंशा पूरी तरह कामयाब हो रही है। बेटियों को किसी भी प्रकार की शिक्षा से वंचित ना रखा जा सके, इसके लिए सरकार व उसके सहयोग से अनेकों सामाजिक संस्थान काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा सहयोग से टीम बालिका प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तर पर महिलाओं और पुरुषों को प्रशिक्षण दिलाकर उनको अपने अपने गाँव भेजा जा रहा है। गाँवों में प्रशिक्षित महिलाएं बच्चियों को विद्यालय में एडमिशन करवा रही है ताकि वो स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकें। उन्नाव जनपद के कई ब्लॉकों से आई लड़कियों और महिलाओं ने बच्चों को व माता पिता को किस प्रकार शिक्षा के प्रति जागरूक करना है इसका प्रशिक्षण दिया, ताकि वो अपने गांव या शहर के कस्बों में जाकर जो गरीब हो उनके साथ अथवा किसी भी प्रकार से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे उनको जागरूक कर उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया जाए और पढ़ाई के प्रति जागरूकता पैदा हो। सरकार का पूरा प्रयास है कि किसी भी हाल में कोई भी बालिका शिक्षा से वंचित न रह पाए, इसके लिए सरकार ने कॉपी किताबों से लेकर स्कूल की ड्रेस आदि सभी प्रकार के बच्चों को प्रदान की है। गवर्नमेंट का भी यही प्रयास चल रहा है कि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे, जिसके लिए अभी हमारी संस्था द्वारा भी जैसे कि टीम बालिकाएं हैं हमारी, तो उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है और जो भी हमारी टीम बालिका साथी जिस गांव से जुड़ी है उस गांव में उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास कर रही है निरंतर, और इसमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। और बाकी मुझे विश्वास है कि जो हमारे ये प्रशिक्षण हुआ है उसके माध्यम से उन सभी को हम स्कूल से जोड़ पाएंगे, तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट को और हमारी संस्था को सर धन्यवाद करता हूँ। टीम बालिका के तहत कार्य कर रहा हूँ एज ए टीम बालिका, जो गाँव के ऐसे बच्चों का चिन्हित करती है जैसे जो स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं या जो लोग जिनके माँ बाप भेजना नहीं चाहते हैं। सरकार की मंशा है कि सारे बच्चे पढ़ें और आगे पढ़ें। सर्व शिक्षा अभियान चलाया सरकार ने, बहुत मतलब लोगों को जागरूक किया, उसके बावजूद भी बच्चों को
गांव के लोग बहुत सारे ऐसे कुरीतियों के कारण नहीं भेजना चाहते हैं, खासकर लड़कियों को, जिसके लिए हम लोग वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार इतना शिक्षा को लेके जो है वो आगे बढ़ा रही है, लेकिन फिर इसमें अधूरी रह जाए तो हम लोग उसका सर को स्कूल में शिक्षा का सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग बच्चों को जो है गांव में जा जा के समझा के बच्चों को जो है पढ़ा रहे हैं, स्कूल में शिक्षा पूरी करवा रहे हैं, और सरकार को मतलब सरकार का बहुत ज़्यादा इसमें मेरा सपोर्ट है। BCCI द्वारा बरेली में पहली बार अंडर 19 क्रिकेट कूच बिहार ट्रॉफी मैच का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिवसीय क्रिकेट मैच का उद्घाटन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने किया। इस मौके पर उन्होंने नागालैंड और यूपी टीम के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए सभी को बधाई दी। बरेली के SRMS मेडिकल कॉलेज के स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है। इस मौके पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजन से देश और दुनिया में खेलों की पहचान हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार भी खेलों को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार हर जिले में खेल स्टेडियम बनाने का काम कर रही है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। यह बड़े गर्व की बात है कि यहां BCCI इस स्तर पर ट्रॉफी का आयोजन कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार खेलों को महत्व देने का काम कर रही है। देश में, दुनिया में खेल के नाम से देशों की पहचान होती है, और आज बरेली की पहचान वैसे भी है, लेकिन खेल के नाम से मैं देवमूर्ति जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने नागालैंड और उत्तर प्रदेश की टीम का यहां जो प्रोत्साहन देकर खेल में आयोजन किया, उसके लिए बधाई। और खेल प्रदेश को, देश को बहुत महत्वपूर्ण है, और योगी सरकार खेल में हर जिले में एक प्ले ग्राउंड स्टेडियम बनाने का एक लक्ष्य लेकर काम कर रही है। हम वास्तव में BCCI को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बरेली और विशेष तौर से मूर्ति जो मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके संस्थापकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे। उन्होंने मैदान इसियों को बनाया कि BCCI ने चयन किया और यहाँ पर कुछ बिहार ट्रॉफी का मैच हो रहा है। क्रिकेट के इतिहास में मैं कहूँगा कि आज पहली बार BCCI अधिकृत कोई मैच बरेली में करा जा रहा है, और ये हमारा सौभाग्य है कि श्री राममूर्ति स्मारक क्रिकेट स्टेडियम जो इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थापित है, वहाँ पे BCCI द्वारा, बरेली क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा इस मैच का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने इस ग्राउंड को निरीक्षण करने के बाद इस्लाम को पाया कि वो एक होम मैच यहाँ तो उत्तर प्रदेश और नागालैंड की टीम के बीच में करा सके, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बेडकर नगर जिले के टांडा कस्बे में आर्य समाज के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि बागपत के सांसद डॉ. सत्येंद्र सिंह ने आर्य वीरांगना दल की बेटियों के द्वारा आत्मरक्षा के लिए किए गए शौर्य प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब न सिर्फ बेटियों और बेटियों में फर्क समाप्त हो गया है, बल्कि बेटियां देश की सेना, अंतरिक्ष और प्रशासनिक सेवाओं सहित राष्ट्र की मुख्यधारा में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेटियों को आगे बढ़ाने को लेकर जो सपना है, वो सपना यहां पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में सारे समाज की बेटियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, तभी बेटियां आगे बढ़ेंगी और आत्मरक्षा के साथ देश सेवा कर सकेंगी। जीवन के अंदर ये प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। हमारी बेटियां सेल्फ डिफेंस जो है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ डिफेंस की जो एक्सरसाइज करें, उनका मन का रोल है। आजकल जो जिस प्रकार का समाज चल रहा है, गुंडे और बदमाश समाज के अंदर, हर एक समाज के अंदर, हर एक युग के अंदर गुंडे और बदमाश भी रहते हैं, और ऐसे गुंडे और बदमाश से अपनी रक्षा करने के लिए हमारी बेटियों को जो प्रतिरक्षा करने की जो तरीके हैं, वो सीखना बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी बच्चे हैं जो नवयुवक हुए, वो स्वयं को सुरक्षित महसूस करें और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करें, इसलिए सरकार इस तरह की योजनाएं भी चला रही है। और हमारा अम्बेडकर नगर प्रशासन इस चीज को बहुत मोटिवेट भी कर रहा है, सारे विद्यालय इस तरह के कदम बढ़ाएं, क्योंकि ये एक आदर्श कदम है। क्योंकि हमारी झांसी की रानी जैसी मेरी सारी बेटियां हैं, कहा भी गया है हम हैं गुलाब की कली मगर दुश्मन की खातिर शूल भी हैं, चाहे वो आत्म सुरक्षा हो और चाहे वो किसी भी एक्टिविटीज में प्रतिभाग करने की बात हो, बच्चे हर क्षेत्र में सशक्त। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में डेंगू व अन्य संचारी रोगों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए रोकथाम के लिए प्रयासों को और तेज करने के दिए निर्देश।
नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने लखनऊ में IMA, IMC, NHA, नर्सिंग होम चिकित्सक तथा विभागीय अधिकारियों के साथ डेंगू को नियंत्रित करने के लिए वर्चुअल माध्यम से की परिचर्चा। नेपाल में कल शाम आए भूकंप के कारण दिल्ली और उत्तर भारत के कई भागों में झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। प्रदेश में भी लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद में महसूस किए गए भूकंप के झटके। और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रामपुर में अल्पसंख्यक पसमांदा सम्मेलन में लिया हिस्सा, कहा बिना भेदभाव के लोगों तक पहुंच रहा है सरकार की योजनाओं का लाभ। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।